अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी आयशा रोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको मेरी तरफ से सेकंड रोज़ा बहुत मुबारक हो, और आई होप कि आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। कल का रोज़ा तो क्या रोज़ा गया, और आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गया, और मौसम जो इतना अच्छा हुआ है, और इस दफ़ा कोई भी गर्मी नहीं है। तो गाइस, आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो रेसिपी है शवरमा रेसिपी अपने स्टाइल में। विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे सारे इंग्रेडिएंट, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मेरी खुद की रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम चिकन में ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइस लेवल अपना आप लोग देख लीजिएगा, किस हिसाब से आप लोग खाते हैं तो उस हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट हसबे जायका, इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, जो कि मैंने पहले से फ्रिज में बना के रख ली थी। 1 स्पून इसके अंदर जाएगी क्रीम, और इसको हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे। डन, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, हाफ एन आवर के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर चिकन के अंदर जो मसाला जो है अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। शवरमे की चिकन तो हमने मैरिनेट कर ली है, अब बारी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर जो है वो शवरमा अधूरा है। तो अब बारी आती है शवरमे की सॉस की, तो जल्दी से हम सॉस बनाते हैं, इन्ग्रीडियंट्स में आप लोग को दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शवरमे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगी मेयोनीज, या अगर आपके पास सादी मेयोनीज़ और क्रीम है आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर सादी मेयोनीज़ भी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अब जाएगा सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ऑरिगैनो, ऑरिगैनो से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। और ऑरिगैनो से सच बनाऊँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मुझे तो पर्सनली ऑरिगैनो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में जो इटालियन खाने होते हैं और चाइनीज़ कुजींस होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। और मैं चाह रही हूँ शवरमे की ब्रेड को सेकने, तो चलिए चलते हैं आपके किचन में। यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ सिर्फ ऑयल को, और प्लीज़ मेरे किचन की हालत गाइस इग्नोर कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। आपको पता है कि जब अकेले करने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, और मैं सारा काम जो है वो खुद ही करती हूँ। यहाँ पर हमारी शवरमे की जो पीटा ब्रेड है वो भी रेडी हो चुकी है, मतलब सिक चुकी है। हल्का हल्का सा हमारी चिकन मैरिनेट हुई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आलू के पकोड़े बना रही थी, आज बाकी सामान भी मैंने सारा बना के रख दिया, और आज टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जल्दी से मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े डल रहे हैं, पकौड़े भी डाल दिए हैं, जब तक ये फ्राई होंगे। मैं अपनी जो मैरिनेटेड चिकन है उसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं, डेली व्लॉगिंग तो आप लोग देखते रहेंगे आगे भी, पर मैंने सोचा कि किसी दिन बीच बीच में आप लोगों से एक रेसिपी भी शेयर कर दूँगी जो कि डिटेल में, क्योंकि बहुत से लोगों से पूछते हैं कि ये मिस हो गया, या आपने कैसे बनाया, या आपने ये चीज़ नहीं बताई, ये इन्ग्रीडियंट नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि डिटेल में रेसिपी भी मुझे डालनी चाहिए। गो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शवरमे की जो चिकन है ना, कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है, रोज़ है बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन रही है। आज सेकंड डे है रमजान का, आज सेकंड डे पे मेहनत हो रही है फुल। आज कोई नई चीज़ बनने वाली है, क्या होने वाला है? कल तो इतनी जबरदस्त अफ्तारी आपने खिलाई, शवरमा घर पे वो भी, और शवरमा वो आपकी हम लोग बाजार से खा खा के थक गए। ऐसे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले बताती तो हम शवरमा तुमसे मंगा देते हर दफा। यार आयशा कोई काम मुझे भी बोल दो, कल भी आपने मुझे कुछ काम नहीं बोला। लो भाई ये तो सीरियस होकर मैंने मजाक करता आयशा, सच सच में बोला यार, ये तो मजाक कर रहा था ऐसा, सच में बनाना है क्या बनाना है? नहीं मुझे वाकई में नहीं पता, सॉस बनाना बेवकूफ तो बनाते रहे, तो सॉस बनाने के लिए इतना मुश्किल काम दे दिया, सच में नहीं पता मुझे, इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा। जो रेसिपी मैंने आपको बताई तो यार रेसिपी याद थोड़ी ना रहती है, वो तो देख के बंदा भूल जाता है कि इतनी यमी चीज बस खा के बस भूल गया। राहिल जो है वो सॉस बना चुके हैं,
और यहाँ पे हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है। कितनी टेम्पटिंग और जूसी लग रही है। और एक हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और एक हाथ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पानी आ रहा मुँह में, अल्लाह रोजा टूट जाएगा। हम लोगों ने ये ले लिया है, उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे अपना शवरमे की जो हमने सॉस बनाई थी वो सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी क्वांटिटी में हमें अप्लाई कर देनी है, अच्छी क्वांटिटी में लगानी है। जो सारा टेस्ट होता है ना शवरमे का वो इसी सॉस का होता है। कुछ लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं, तो आप लोग चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑप्शनल, इट्स टोटली अप टू यू। उसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन भी ऐड हो चुकी है इसी के साथ साथ। इसके ऊपर थोड़े से मुझे स्प्रिंकल करने हैं रेड चिली फ्लेक्स, क्यूकम्बर, इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ऐड करती हूँ। ज़्यादातर मैं चीज़ों में धनिया ज़रूर ऐड करती हूँ। चिल्ली कैचअप ये भी ऑप्शनल है गाइस, आप लोग चाहें तो कोई चटनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको अच्छी तरीके से रैप कर देंगे इस तरह से। सो गाइस विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप कर लिया था, क्योंकि खाने में भी आसानी हो जाती है और फिर गिरता भी नहीं है। और यहाँ पे चीज़ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो उन लोगों के लिए शवरमा बेस्ट है। और यहाँ पर हमारे डिलीशियस से, टेम्पटिंग से और जूसी से शवरमास रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। इसको आप लोग इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हो चुकी है हमारा डिलीशियस शवरमे, यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इफ्तार का टाइम होने वाला है तो बस हम तो जा रहे हैं इफ्तारी करने। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कॉमेंट में कि कैसी बनी। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बन चुका है और यहाँ पर हमारी इफ्तारी भी लग चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ सैरम क्या क्या है। तो सैरम को बहुत ज़्यादा खाती सैरम इज़ नॉट फीलिंग वेल। अच्छा सॉरी सॉरी नहीं ले रही भाई। यहाँ पर मैंने फ्राई करनी है पकोड़े, आलू के किए हैं आज। कल मैंने प्याज के लिए शवरमा भी रेडी है, यहाँ फ्रूट चाट है, यहाँ पास्ता है कल का लेफ्ट ओवर। यहाँ पे उस सैरू के लिए नगेट्स भी रेडी हैं। वाओ सैरू वाओ, और जूस भी रेडी है। जूस सैरू को रेड जूस। दुआ करती हूं यहां पे भी दुआ में आ जाए, दुआ टाइम। तो यहाँ इफ्तार का टाइम होने वाला था, हम लोग दुआ कर रहे थे। और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, बच्चों के साथ वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बट फिर भी आई गो विद द फ्लो। आई नो सैम डजंट वांट टू ईट एनीथिंग। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई विल कैच यू गाइस टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।